अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि होंगे बहुत ही बढ़िया, और आप लोगों की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरा मकसद है, आज मैंने वीडियो बनाई हूँ एक मकसद से, बकरीद को लेकर। तो हमने सोचा कि आप सभी को बताएं। तो दोस्तों, बकरीद बहुत जल्द आने वाला है, मतलब 12 अगस्त को हमारे यहाँ बकरीद मनाई जाएगी। आप लोग के यहाँ कब बकरीद मनाई जाएगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और बकरीद के 2-4 दिन बाद आपके घर कोई भी अनजान इंसान, दोस्तों कोई भी अनजान इंसान गोश्त लेकर आता है, तो उससे हरगिज़ आप गोश्त नहीं लीजिए। क्या पता वो बकरे के अलावा किसी और चीज़ का भी गोश्त हो सकता है और आपको फंसाने की कोशिश की जा रही हो, और इस दौरान आप गोश्त ले लेते हैं तो आपको कहीं पुलिस के शिकंजे में भी, मतलब पुलिस भी इन्फॉर्म कर देंगे और पुलिस भी आपके आ सकती है इस चेक करने के लिए। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वो सब लोग जो आएंगे अगर, तो उन सब से आप गोश्त नहीं लें और ये सब से आप बचें। तो आज का ये वीडियो हम बनाने का मेरा यही मकसद था कि आप लोग को इल्तिजा करें कि ऐसे इंसान से आप बचें, और आसपास के जितने भी लोग हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं आपके, और जो लोग भी हैं जिसे आप जानते हैं, तो बकरीद से पहले हर मोमिन भाई और बहनों को ये बात आप ज़रूर बताइए और इस वीडियो को बहुत फॉरवर्ड कीजिए। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों से मेरा यही गुजारिश है कि ऐसे लोगों से बचिए और आसपास के लोगों को भी बचाइए, और गोश्त हरगिज़ नहीं लीजिए, क्योंकि ये सब आप लोग को तो पता ही है कि हालात कितने ख़राब हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, ऐसे लोगों से बचिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। तो ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि हम आप लोग को बताएं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और हमें भी दुआ में याद रखिए। और आप लोग मेरा वीडियो ज़रूर देखिए, और हमेशा आप लोगों का प्यार हमें चाहिए ही, तो हमेशा मुझे प्यार देते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह हाफ़िज़।